ये देखिए बिल्कुल इसका पक्का पक्का सेट लग रहा है, पक्के बहन भाई लग रहे हैं। जगह पे टिकटॉक पे फेसबुक पे नजर आ रहे थे ये वाली, तो आप निकालें, ये मुझे बहुत पसंद आई है। और शौक पूरे किया करें, इंजॉय करें जिंदगी, अल्लाह ताला ने आपको एक दफा दी हुई है। मेरी नजर में तो सोने से भी अच्छे डिजाइन होते हैं आर्टिफिशियल के। अच्छा भाई, ये समी भाई की शॉप है, यहाँ पे आपको बहुत इजीली हर चीज मिलेगी। और मुझे तो आपको पता है, यूजुअल आप हमेशा पूछते हैं सिस्टर आपने कहाँ से लिया, ये समी भाई है। तो आप यहाँ पे आए शॉपिंग करें, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा जी। जनाब ये देखें, इतना खूबसूरत कलेक्शन है ना ये सारा का सारा। तो मैं भाई से पूछती जाऊंगी प्राइस, तो फिर आप लोगों को भी आइडिया होगा। ये जो है ना मेट्रो पे नीचे आप आएंगे ना डायरेक्ट पार्किंग के पास से, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ये ब्रेसलेट्स मिलेंगी। ओवरऑल तो वैसे ये भी ब्रेसलेट्स हैं, बट मैं अगर आपको बताऊँ मेरी जो पसंद है ना वो इस टाइप की ब्रेसलेट्स होती हैं। तो इस वक्त जो मैं इसमें से लेने लगी हूँ, इनसे तो ये लेने लगी हूँ। इसके क्या प्राइस है? 700। ये 700 की है। अच्छा, और एक और मैंने ये चॉइस की थी, नहीं आई थिंक मैंने यही ली देखी, नहीं ये वाली, ये वाली तो आप निकालें, ये मुझे बहुत पसंद आई है। और ये देखें जनाब, कितनी खूबसूरत ब्रेसलेट है। ये तो मेरी हो गई है डन। और मैं आपके लिए प्राइस पूछती जाऊंगी, इसके प्राइस 400, ये 400, ये 900, और ये 600, ये 700, ये आपको मैं बताऊं, अगर मैंने ये बहुत जगहों पे पूछी, ये 1000 से कम की कोई भी नहीं बेच रहा, आपको सच बताऊंगी मैं। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा लेने की कोशिश की, छोड़ा, मैंने कहा छोड़ दो, लेकिन ना मैं आज जो है मैं आपको अगर बताऊं तो मैं यहाँ से बहुत खुश हूँ कि बिल्कुल अच्छे प्राइस पे सेल कर रहे हैं। और ये वाली बहुत नाजुक सी है, ये 600, ये 600 की है। ये बहुत हसीन लग रही है, इसमें आपको ये है कि डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर्स हैं। खैर मुझे तो इनके पास ब्रेसलेट्स बहुत पसंद आई हैं, तो मैं लेती हूँ, फिर आपको घर में भी दिखाऊंगी। वो वाली कहाँ है मेरी, दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, जब वापस आ जाओ तो ऐसा लगता है किचन में सब काम नया हो गया, हर बोतल भरनी है, चीनी भरनी, पत्ती भरनी है। चलें जी, आज आपके साथ अपने इस कॉर्नर को शेयर करते हैं। इसमें अक्सर मैं वो ऑयल रखती हूँ जो कि मैं सालन के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका नोज़ल बड़ा है ना, तो डायरेक्ट डाला और अपना काम कर दिया। ये जो है ना, ये मैंने जो विनेगर एंड सोया सॉस की जो बोटल्स होती है ना, एक ऑयल इसमें डाला है। वजह इसकी क्या आई, ऊपर जो इसका नोज़ल बना हुआ है ना, तो इससे ईजी हो जाता बस जी। अजान हो रही थी तो फिर उसके बाद जो है मैंने कहा मैं इस पर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो हम यहाँ पर ये तफसीलात बयान कर रहे थे कि मैं जो हूँ ना, 3-4 तरह की सेटिंग बना के रखती हूँ ऑयल के लिए। ऑयल जो है कम ही क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो आपको पता है, जब मैं कोई अपना पिज़्ज़ा के लिए ट्रे जो है ना ग्रीस करती हूँ, वो मैंने उसके लिए रखा हुआ है, और साथ ही उसका ब्रश है, और उसके साथ ये मैं स्प्रे लेकर आई थी। स्प्रे बहुत ज़बरदस्त होता है, एग फ्राई करना है या फिर आपको ऑमलेट करना है ना, तो उसके लिए आप स्प्रे यूज़ कर लिया करें। अच्छा, पीछे जो विनेगर वाली बोतल्स होती हैं ना, उनको ज़ाया ना किया करें, क्योंकि उनका ऊपर से जो नोज़ल होता है, इतनी कम क्वांटिटी में उसमें ऑयल आता है और आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। और ये देखें जी, हम क्या लाए, स्टिकर आपसे कहा था कि इस तरह से हम कुछ ना कुछ इसका करेंगे, क्योंकि टाइल जो है ना कॉर्नर से टूट रहे थे और हमारा कोई इरादा नहीं इसको रिनोवेट करने का। तो बस मैंने कहा मैं इसके ऊपर जो है ये वाला काम करके देखती हूँ। वैसे भी टिकटॉक पे इधर उधर काफी नजर आ रही थी, तो मैंने कहा ट्राई करके तो देखते हैं। दिमाग में आया कि चलो इसी पे ट्राई करते हैं, तो ये मैंने मंगवाई और इसको जब मैंने लगाया, ओवरऑल लुक ही चेंज हो गया। चलें अब आपके साथ जो है ना ज्वेलरी की शॉपिंग शेयर करती हूं। मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूं, पहले मैं तो इनको पीछे कर दूं फिर जगह बनाऊं। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज़ जो मैं लाई थी, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखिए। और वो थे ये, कितने हसीन लग रहे हैं ना, इतने खूबसूरत ब्रेसलेट हैं, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी थी उसके पास, और प्राइस बड़े रिजनेबल थे। हालांकि मैं देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ हो ना तो उसके प्राइस पहले चेक कर लेती हूँ एक दो जगह पे। तो शौक की बात होती है कि इंसान फिर घूमता है, देखता रहता है, तो पता चलता है कि किसी भी चीज़ के ना क्या प्राइस हैं। तो ये वाले जो थे ना, ये इतना खूबसूरत और इतना नाजुक सा, इतना हसीन लग रहा था ये, जिसकी हद नहीं। ये देखें आप, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और ये वाला देखें, ये भी बहुत खूबसूरत था, ये वाला, ये बहुत ही नाजुक सा हसीन सा लग रहा था। तो मैंने कहा कुछ ब्रेसलेट की भी इस तरह की ना कलेक्शन होनी चाहिए, कि कभी दिल नहीं चाहता आप बैंगल्स पहनो, इतनी गर्मी होती है। वैसे भी गोल्ड किसने लेना है, इसी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जो कि लगती भी बहुत अच्छी हैं, और बस यूज़ किया और नहीं अच्छा लगा तो छोड़ भी दिया। एक ये लिया था, और एक मैंने उससे ना ये वाले बैंगल्स लिए थे,
तो मैंने कहा ये वाले, ये देखें आप कितने हसीन बैंगल्स हैं। इसका आप अगर करीब से देख रहे हैं तो मैं आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इतना हसीन इसके अंदर पर्ल लगा हुआ है और इतनी खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग हुई है। और इसके जो है ना यहाँ से इस तरह से ये वाला है, इसको आपने ऐसे किया ऐसे किया, अच्छी ज्वेलरी थी इसके पास बहुत, मुझे बहुत पसंद आई। ये देखें ये पेयर लिया था और इसके साथ जो है ना मैंने एक और ये लिया था। तो दिखाने का मकसद ये है कि ज़रूरी कोई है कि आप जो है ना गोल्ड ही पहने, और गोल्ड ही आपके पास होगा तो आपका शौक पैदा होगा। ये देखें इसके साथ इतने हसीन लग रहे थे ये, और इसके कलर बहुत हसीन थे, इसके अंदर जो कलर लगे हुए ना मैरून है, पर्पल है, ग्रीन है, ये देख रहे हैं आप, इतना खूबसूरत लग रहा था। और इसके साथ इस तरीके से जो इस तरह हैंगिंग आ रही थी ना इसकी, ये वाले प्यारे प्यारे, ये बहुत अच्छे लगे थे मुझे। तो मैंने फिर उससे यही शॉपिंग कर ली थी और बहुत मुनासिब रेट में थी, इतनी महंगी नहीं थी तो इसलिए मैंने ले ली थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो ना बजट में रहते हुए अपनी चीज़ें परचेज़ करूँ, तो मुझे ये अच्छे लगे, फिर मैंने कहा मैं अपने ऑडियंस के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ कि ज़रूरी नहीं है कि शौक सारे जो है ना गोल्ड ही ख़रीद के पूरे किए जाएँ, आप आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। आर्टिफिशियल में आपको ये फ़ायदा होता है कि ये आपने चेंज किया, वो चेंज किया, ये पहन लिया, कभी वो पहन लिया, और अगर छीनने वाले जो भाईजान आ जाते हैं ना अचानक से चीज़ें छीनने वाले भाईजान, तो उनको आप इजीली उसको गिफ्ट कर दिया करें, भाईजान आप खुद ही ले लें और हम जाके नया सेट खरीद के आ जाएंगे के ना, वो भी खुश हो जाएंगे। वो ले लिए, बहुत प्यारे कलर्स थे इसके और इतने हसीन है। इसके साथ ही ना मैंने ऑलरेडी मेरे पास रिंग मौजूद थी, अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास इसकी जो रिंग थी ना, यहाँ पे होती है मेरी सारी रिंग, तो मुझे ये अच्छा इसलिए लगा था कि मेरे पास ना एक रिंग थी जो कि आपने देखी भी होगी, ये वाली रिंग थी मेरे पास। तो ये मेरे पास रिंग पहले से इसकी मौजूद थी, तो इस रिंग के साथ जो है ना ये मुझे अच्छे लगे थे, ये इस रिंग के साथ बड़ी अच्छी इसकी मैचिंग आ गई थी। तो अचानक ये मैचिंग मिलती हैं, वरना इतना टाइम नहीं होता कि हमारे जो है ना घर वाले खड़े रहें और हम ना बोलें अब हमने मैचिंग करनी है, तो मैचिंग जहन में रहती है कि भाई इसके साथ क्या, इसके साथ ये देखें बिल्कुल इसका पक्का पक्का सेट लग रहा है, पक्के बहन भाई लग रहे। तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, कैसे लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और शौक पूरे किया करें, इंजॉय करें, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको एक दफ़ा दी भी अपनी है, और इस जो चीज़ अच्छी लगे के सोने से भी अच्छे डिज़ाइन होते हैं, मेरी नज़र में तो सोने से भी अच्छे डिज़ाइन होते हैं आर्टिफिशियल के, क्योंकि इसमें आपके शौक बड़े अच्छे तरीके से पूरे हो जाते हैं। इन्हें छोटे छोटे इसके अंदर इन्होंने नग भी लगाए हैं, जब मैं पहनूंगी ना फिर आपको आएगा पता कि ये कितना खूबसूरत लगते हैं पहनने में। तो ऐसी कलेक्शन में करके रखती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, शौकीन हूँ तो फिर आपके साथ शेयर भी करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को ये बताइएगा ज़रूर। चलें जी हम खाने लगे हैं खाना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दे मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन फी अमानिल्लाह।